हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रद्धा। मेरा नाम है श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस। तो एक इटालियन सॉस बनाने वाले हैं हम, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके चैनल को साथ ही साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरे आने वाले सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ता सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 6 से 7 टमाटर, और ये फ्रेश टमाटर हैं, और इनको हमको मोटा मोटा काट लेना है, बिल्कुल रफली चॉप करना है। छिलका वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको बीच से काटेंगे और ऊपर से इसकी जो आँखें हैं वो निकाल लेंगे, और इसको मोटा मोटा काट के एक मिक्सी जार में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। दोस्तों, ये जो सॉस है ये एक इटालियन सॉस है, इसको हम पिज़्ज़ा में भी यूज़ करते हैं, और पास्ता जिसको हम बोलते हैं पास्ता अराबियाता या रेड सॉस पास्ता, उसमें जो सॉस यूज़ होती है वो यही सॉस होती है। तो अगर मैं दोनों की अलग अलग रेसिपी बताती हूँ तो एक तरह की चीटिंग होती, तो इसलिए मैं एक ही में आपको बता दे रही हूँ। और अब इन कटे हुए टमाटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सी जार में, और इसको बिना पानी डाले एक बार आप बस मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए और उसको साइड में रख दीजिए। अब हम चढ़ाएंगे एक नॉनस्टिक पैन और उसमें डालेंगे 3/4 कप तेल। तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा इसे डाला है क्योंकि अगर आप तेल ज़्यादा डालेंगे तो आप सॉस को ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, 1 महीने तक आपकी सॉस को कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 10 से 12 कली लहसुन की, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, उसको आप इसमें डाल दीजिए। इसको आपको चॉप करके डालना है, गार्लिक पेस्ट या कोई भी पीस के आप इसमें ना डालें लहसुन को, तो उसको बारीक कटी हुई लहसुन ही हम इसको डालेंगे। और जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होने लगे तो आप उसमें एक मीडियम साइज़ प्याज, जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, सिर्फ प्याज को तब तक पकाना है जब तक ये जो उसका कच्चापन है वो निकल जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम रखा है मैंने, और 1 से 2 मिनट में हमारी जो प्याज है वो पक जाएगी। ये देखिए, प्याज जो है वो हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो टमाटर जो हमने पीस के साइड में रखा हुआ है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बारीक मैंने पीसा नहीं, ना इसको छाना है, थोड़े बहुत आपको टुकड़े दिख रहे होंगे टमाटर के, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही रखना है। बहुत ज़्यादा इसको महीन या बारीक पीसने की कोशिश मत करिए, जैसा भी एक बार वो पिसता है पिसने दीजिए, क्योंकि जब इसके जो थोड़े बहुत जो चंक्स आते हैं उससे बहुत ही रस्टिक और ऑथेंटिक टेस्ट आता है। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं तब तक हम थोड़े से जो काली मिर्च हैं उनको हम क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लैक पेपर क्रशर है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से काली मिर्च को क्रश करके या कूट के भी डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच काली मिर्च को क्रश किया है। टमाटर हमारे पक रहे हैं दोस्तों, इसमें जब बॉयल आता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि छींटे काफ़ी दूर तक जाते हैं इसके, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। साथ ही साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 से 3 चम्मच चीनी। अगर आपके टमाटर खट्टे हैं तो चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल दीजिए। 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी टमाटो केचप, और जो हमने काली मिर्च कूट के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे, और इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए और इसको हम कुक होने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में। बीच बीच में एक बार आप इसको चलाते रहिएगा। उसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच विनेगर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच पिज़्ज़ा हब। पिज़्ज़ा हब आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा हब नहीं है, ऑरिगेनो पड़ा है तो आप ऑरिगेनो डाल दीजिए, ऑरिगेनो भी नहीं है तो बेजिल है तो बेजिल भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो भी हर्ब्स आपके पास अवेलेबल हों, जो भी इटालियन हर्ब्स आपके पास हैं या आपके सिटी में जो भी हर्ब्स आपको मिलें वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को कुक होने दीजिए। दोस्तों, कुक 5 से 6 मिनट बाद ही देखिएगा ये तेल जो है वो साइड जो छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारी जो सॉस है बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ताज़े बेजिल के पत्ते। जिनको बेजिल नहीं पता मैं इनको बता दूं, बेजिल एक तरह की तुलसी होती है, इसको मरुआ तुलसी भी बोलते हैं। ये एक इटालियन हर्ब्स है और इटालियन फूड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने इसको अपने गार्डन में लगाया है तो मेरे पास हमेशा फ्रेश बेजिल होता है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई बेजिल भी इसमें डाल सकते हैं। बेजिल अगर आप ताज़े यूज़ करें तो कभी भी इसको चॉप ना करें, चाकू से इसको कभी ना काटें, इसी तरह से हाथ से तोड़ के ही आप इसमें डालें और इसको भी एक बार आप मिक्स कर देंगे। और अब आपकी सॉस है वो बन के बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको ठंडा करके किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे रेफ्रिजरेटर में, 1 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो सॉस है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। इसको आप यूज़ करिए पिज़्ज़ा बनाने में या रेड सॉस पास्ता या पास्ता अराबियाता जिसको हम बोलते हैं। आगे की रेसिपी में आपको ये भी बताऊंगी कि इससे आप पास्ता और पिज़्ज़ा कैसे बना सकते हैं, मतलब इस सॉस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे मेरे आने वाले सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने इंग्रेडिएंट की सारी लिस्ट विद मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो बनाने से पहले एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप चाहें तो मेरा व्लॉगिंग चैनल, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा याद रखिए दैट हैप्पीनेस इज होममेड।